आपके सामने कोई भी सिस्टम लाया जाता है या दो सिस्टम प्रोवाइड किए जाते हैं तो आप उसके ऊपर जो है जजमेंट दे सकते हैं। जैसा कि आपसे कहा जाए कि सर्टन कंडीशन है, इन कंडीशन को देखते हुए आपने बताना है कि एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर ज्यादा बेहतर रहेगा या वाटर कूल्ड। तो आपके पास जितनी भी नॉलेज है, क्योंकि आप मास्टर हो चुके हैं उसके लिए, ये लास्ट लेवल है आपका कॉग्निटिव डोमेन का, तो आप इसका कोई भी पोटेंशियल आंसर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। अगेन इसमें भी हर स्टूडेंट का आंसर जो है वो डिफरेंट हो सकता है और हर स्टूडेंट का आंसर उन सर्टन कंडीशन के अकॉर्डिंग करेक्ट भी हो सकता है। तो ये आपकी थी लास्ट लेवल जिसको हम नाम दे रहे हैं इवेल्युएशन का। अब जब आप आउटकम की बात करते हैं कि हमने कहा कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो एक वे प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने आउटकम को वेल डिफाइन कर सके और उसको अचीव करने का एक प्रॉपर प्लानिंग कर सके, तो उसके लिए कुछ इंप्रेशन वर्ड्स होते हैं जो कि उस लेवल को डिफाइन कर रहे होते हैं या एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जिस तरह से आपके पास मैंने 6 के 6 लेवल आपको एक्सप्लेन किए कि क्या होते क्या है, तो अगर नॉलेज है तो नॉलेज के लिए कुछ एक्सप्रेशन वर्ड्स है जिसको हम कीवर्ड्स का भी नाम दे रहे हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं इस लेवल की एक्सपर्टीज। जिस तरह से आपके पास C1 में आपके पास सारे डिफाइन है, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। C2 है, आप समराइज कर सकते हैं चीज़ों को, एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कुछ आगे बढ़ गिवन है। एप्लीकेशन है कि आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं रूल्स को, उसको यूज कर सकते हैं नॉलेज को। एनालिसिस है कि आप कंपेयर कर सकते हैं, कंट्रास्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। देन आपके पास सिंथेसिस है, आप चीज़ों को कंबाइन, कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, या कोई भी आप जनरेट करें, कंसेप्ट भी हो सकता है, प्रोसेस भी हो सकता है, सिस्टम भी हो सकता है। देन आपके पास लास्ट एवेल्यूएशन जो भी हमने डिस्कस किया हुआ कि आप डिफेंड कर सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को या किसी भी चीज़ के बारे में आर्ग्यू कर सकते हैं, क्रिटिसाइज, क्रिटिकल आप एनालिसिस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो ये था आपके पास कॉग्निटिव डोमेन के कुछ फीचर। हमने क्या बात की, कॉग्निटिव डोमेन या एट दी एंड ब्लूम टैक्सोनॉमी हमको हमें हेल्प करिए कि हम अपने सर्टेन किसी भी एक स्पेसिफिक कोर्स की आउटकम को डिफाइन कर सके। तो ये सारी जो आपको मैंने प्रोसीडिंग बताई है इसको माइंड में रखते हुए हमने एक सैम्पल कोर्स लिया है और उसकी आउटकम्स डिफाइन की है कि वो किस तरह से एक कॉग्निटिव डोमेन को एक्सप्रेस करेंगी या शो करेंगी और एट द एंड जो 12 एट्रीब्यूट्स हैं उसको किस तरह से शो करेगी। ये आपके पास एग्जांपल ऑफ सीएल है जो कि सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन में आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स को माइंड में रखते हुए डिजाइन की गई है। सब्जेक्ट है आपका एग्जांपल ये मैंने हीट ट्रांसफर से। तो पहला मेरा लर्निंग आउटकम जो सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफर का, उसका मैंने ये रखा है कि स्टूडेंट एट द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स, ठीक है, स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर। स्टूडेंट जो है जितने भी मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर बेसिक आपने पढ़े, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, उसको वेल डिफाइन कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है कि ये किस तरह से होता है, ये है क्या। सामने आपको नजर आ रहा है कि मैंने उसको मैप किया है C2 के साथ। C2 आपका कौन सा लेवल था कॉग्निटिव का, कॉम्प्रीहेंशन, कि आप जो चीज आपने याद की है आप उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो आपने समझी आप उसको दूसरों को बता सकते हैं इन ओन वर्ड्स। और PLO कौन से आपका